ये जो COVID-19 के जो सीरियस पेशेंट होते हैं, जो अस्पतालों में भर्ती होते हैं, उनके इलाज के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग रेमडेसिविर, जो सबसे प्रचलित ड्रग आज की डेट में भारत देश में है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सीरियस पेशेंट्स पे कोविड के लिए, उसके इंजेक्शन्स हैं जो 3-4 कंपनियां हैं भारत में जो बनाती हैं उनके, तो पूरे देश में ही और ख़ासतौर से जयपुर शहर में कुछ दिन से, जब से सेकेंड वेव आई थी, इस तरह की सूचना मिल रही थी कि इन इंजेक्शन्स की भारी किल्लत है जेन्युइन पेशेंट्स के लिए, जिसका कारण ये है कि प्राइवेट मार्केट में इनकी कालाबाजारी की जा रही है, इनको MRP से कहीं अधिक दामों पर बेचा जा रहा है, इनकी होल्डिंग की जा रही है जिसको संग्रहित किया जा रहा है, और आर्टिफिशियल तरीके से इनका दाम सप्लाई को संकुचित करके बढ़ाया जा रहा है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस आयुक्त साहब के निर्देशों से क्राइम ब्रांच जयपुर कमिश्नरेट CST की समस्त टीम को ये निर्देश दिए गए कि जयपुर शहर में इस तरह की कालाबाजारी जहां भी हो रही है, जिन भी दुकानदारों द्वारा, दलालों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जाए और एक साथ सघन तरीके से अभियान चलाया जाए, जिससे ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके, जो होर्डिंग की हुई है इंजेक्शन्स की वो रिलीज हो सके और वो जेन्युइन पेशेंट्स के काम आ सके। इसी क्रम में CST की एक टीम CSR रविंदर जी के नेतृत्व में कल मुरलीपुला इलाके में डिकॉय ऑपरेशन ने कंडक्ट किया, जिसमें कि एक मेडिकल स्टोर था उस पर हमारा जो जाप्ता है वो डिकॉय कस्टमर बन के गया, और उन्होंने बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कच्ची पर्ची पर लिख के ये बताया कि ये रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन मिल सकता है क्या, मुझे इस तरह की ज़रूरत है, जिस पे ये जवाब आया कि वो इंजेक्शन जिसका MRP 5400 रुपये कंपनी द्वारा निर्धारित है, वो 15,000-16,000 तक की कीमत में उपलब्ध है इन जगहों पर, और उसको कहा कि एक घंटे के बाद आपको इंजेक्शन मिल जाएगा, आप पैसे जमा करा दें और यहाँ वेट करें। तो जाप्ता वहीं वेट कर रहा था, उस तभी दो इंजेक्शन लेके कोई दूसरा आरोपी, इनका जो साथी था, वो दो इंजेक्शन लेके दुकान पे आया, जिसको वहीं दस्तयाब किया गया, डिकॉय ऑपरेशन कंप्लीट किया गया। उसी सिलसिले में पूछताछ के आधार पर ये पूरी चेन जो जिसका खुलासा हुआ है वो इस तरह से सामने आई है कि जयपुर शहर में अनेक दलाल इस प्रकार के हैं, जो जैसे कि इस चेन में उदाहरण के तौर पर दिल्ली से भारी मात्रा में 725 इंजेक्शन पिछले एक हफ्ते में लेके आए हैं, और एक बड़ी चेन दलालों के मार्फत जयपुर शहर के अनेक मेडिकल स्टोर, इंडिविजुअल कस्टमर, पेशेंट और हॉस्पिटल्स में इनकी अनाधिकृत सप्लाई कर रहे हैं। इनमें से किसी के पास भी पहचान करने का कोई वैलिड अनुज्ञा पत्र नहीं है, और हर स्टेज पे कमीशन लेने के कारण ये इस इंजेक्शन को दिल्ली से करीब 2200 रुपये में लाना बताते हैं, और इसकी बाज़ार कीमत 15,000 से लेके 25-30,000 रुपये इन लोगों ने कर दिए। तो इस सिलसिले में 6 आरोपी मुरलीपुरा थाने पर गिरफ्तार किए गए हैं, 4 इंजेक्शन के वायल मौके से जब्त किए गए हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो औषधि नियंत्रक विभाग है राजस्थान का, वो इसमें हमारे साथ ही विवेचना कर रहा है, और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये इंजेक्शन पूर्णतया नकली हो या इनके लेबल के साथ टैम्परिंग की गई हो, और ये वो दवाई ना हो जो हेट्रोफार्मास्यूटिकल, जो इनकी निर्माता कंपनी है हैदराबाद में, उसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो ये अनुसंधान का प्रथम विषय है कि हम उस निर्माता कंपनी से ये बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, इसका मिलान करें, फिर इसका केमिकल एनालिसिस करा के ये निर्धारित करें कि वाकई में ये ड्रग जो रेमडेसिविर थी भी या कोई नकली दवाई थी, जो औने पौने दामों पर खरीद के और कमीशन लेके कालाबाजारी की जा रही थी।